हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें, किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। और प्लीज़ अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो हमारे साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इन टिप्स का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपके समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट और बहुत ही यूजफुल टिप्स है इस प्रकार से अगरबत्ती को लेकर। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जब भी हम मच्छर वाली अगरबत्ती घर में लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि घर में जब लगाते हैं, देखिए अगरबत्ती वैसे तो मना की जाती है कि घर में नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें जो बाँस होता है यानी कि जो बाँस की डंडी का यूज़ होता है इसमें, ये सही नहीं होता है, तो नहीं यूज़ करना चाहिए। खास करके पूजा पाठ में भी मना किया जाता है इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी मच्छर वाले जो अगरबत्ती होते हैं उसका यूज़ लोग घर में करते ही हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं तो अगर हमारे पास स्टैंड नहीं होता है तो इसको खड़ा कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर स्टैंड आता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके से घर की एक छोटी सी चीज़ का यूज़ करके इसको बहुत अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने छोटे से आलू का यूज़ किया है, आप किसी ख़राब आलू का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से लगा करके रख दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसकी हेल्प से अगर आप आलू का यूज़ करते हैं इस तरीके से लगाने के लिए, तो आपको स्टैंड भी लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, और आप इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बिना देरी के ऐसे ही बेहतरीन सी टिप्स एक और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी हम घर पर फ्रूट्स लेके आते हैं और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम तक उसको रखने के बाद जो चीज़ें हैं यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो काले पड़ने लगते हैं। यहाँ पे हम खरबूजा लेके आए थे, अगर क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, 1.5 किलो 2 किलो होता है, तो हम एक ही बार में तो सब कुछ नहीं खा जाते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से धीरे धीरे करके डार्क होना स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये धीरे धीरे अंदर से गलने लगेगा, यानी कि ज़्यादा पकने लगेगा, और फिर धीरे धीरे करके ये ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको स्टोर करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसका यूज़ आप करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप अपने फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली फ्रिज में रखते हैं, उसी की वजह से फ्रूट्स जो है जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से आप क्या करें, चाहे खरबूजा हो या फिर केला हो या सेब हो, कोई भी फ्रूट्स आप रखते हैं फ्रिज में, तो आप इस तरीके से ऊपर से फॉइल पेपर से कवर करके रखिएगा, जिससे क्या होगा, ये डायरेक्ट कूल नहीं होगा, यानी कि फ्रिज की जो पूरी ठंडा के डायरेक्ट फ्रूट्स पे नहीं लगेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट्स जो है बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, ज़्यादा ठंडा होने की वजह से फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, और आपके जो फ्रूट्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। तो आई होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बिना देरी के अब अपनी अगली टिप्स भी देख लेते हैं। देखिए, गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है नमक और चीनी को लेकर के। अच्छा, क्या होता है, नमक में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये गीला सा यानी कि सीलन से ही आ जाती है। कई बार हम कंटेनर में इसको रखते हैं, उस कंटेनर में पूरा का पूरा सीलन जैसा हो जाता है, जिसके वजह से नमक में थोड़ा पानी सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आज एक बहुत अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड, जिसका यूज़ आप करते हैं तो इससे आपका नमक और चीनी दोनों ही एकदम सही रहेगा और बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी, क्योंकि खास करके गर्मी के टाइम पर ही ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से 6 लौंग लेंगे और लौंग को अच्छे से नमक में मिक्स करके रख देंगे। इसके वजह से क्या होगा, जो नमक में सीलन आती थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और नमक जितने मर्जी समय तक आप रखें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने तक भी आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सीरियसली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, कंटेनर में साइड से भाप बन जाती है और फिर जो नमक जो है सील जाता है, और सीला जो नमक होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इस टिप को आप नमक और चीनी दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे। और बिना देरी के चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जो किचन के कंटेनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर हमें अलग से टाइम निकाल के इनको क्लीन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक फटाफट से एक टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत ईजी में कंटेनर्स को तुरंत क्लीन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपको अलग से टाइम निकाल के अपने किचन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कंटेनर लिए हैं, 3 कंटेनर हैं। किचन के जो भी डब्बे होते हैं आपने देखा होगा, खास करके जो प्लास्टिक के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत जल्दी से इनके ऊपर जो है डस्ट जैसा आ जाता है, यानी कि डस्ट आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने किचन में कॉलिन रखें
और जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डिब्बा जो है गंदा हुआ है, आपका कंटेनर थोड़ा भी गंदा हुआ है, तो आप उसको तुरंत से कॉलिन की मदद से साफ़ कर ले। इससे क्या होगा, आपको अलग से टाइम निकाल के किचन साफ़ करने के, किचन के डब्बे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट से आपका जो काम भी है निपट जाएगा। क्योंकि अगर आप किचन के कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए हफ्ते दिन या 15 दिन का वेट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डब्बे जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उनको साफ़ करने में। लेकिन अगर आप तुरंत तुरंत यूज़ करने के बाद से तुरंत इसको साफ़ करेंगे और रख देंगे, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही आसान हो जाता है और बाद में हमें अलग से टाइम निकाल के इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ में हमारा किचन भी जो है वो एकदम साफ़ रहता है। और ये जो डिब्बों में साइड साइड में डस्ट बैठ जाता है, उसको आप नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये तीनों जो कंटेनर है हमारे, वो पूरी तरह से क्लीन हो गए। तो जितने भी किचन के डब्बे हैं वो हम इसी तरीके से तुरंत तुरंत साफ करके रख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के अब अपनी अगली टिप्स भी देख लेते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लेडीज़ के साथ जब बिंदी का यूज़ करते हैं। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो बिंदी का यूज़ करते हैं, तो उनके माथे में जो है खुजली होने लगती है, यानी कि जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ पे खुजली होने लगती है, कई बार तो रैसेस जैसा भी हो जाता है। तो आज एक बहुत अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, जिसकी मदद से अगर आप कोई भी आप बिंदी लगा लीजिए, क्या कीजिएगा, बिंदी को सबसे पहले आप फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट के लिए बिंदी को फ्रीजर में रखने के बाद से फिर जब आप बिंदी को लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी जो बिंदी है वो लंबे समय तक चलती है। यानी कि एक होता है ना कि अभी हमने लगाया, 1-2 घंटे बाद बिंदी जो है अपने आप गिर जाती है, वो वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। आप आराम से उसको, आपकी जो बिंदी है 1-2 दिन अच्छे से चल जाएगी, बार बार छुटाने की, यानी कि बार बार जो बिंदी गिरने की प्रॉब्लम होती है वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। साथ ही में जो आपको रैसेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बिंदी लगाने पे जो रैसेस हो जाते हैं, कई बार खुजली होती है, जलन होती है, वो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बिंदी की ये वाली जो टिप्स है बहुत ही यूज़फुल है, आप एक बार ज़रूर आजमा करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। और सच में एक बार आप आजमाएंगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि सच में इससे आपको बहुत ही बेनिफिट हुआ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा ही मिलती रहेंगी, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा लेकर के आते हैं। तो कैसे लगे फ्रेंड्स आज की किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स, आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।